हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं प्रोज के सेकंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर के इम्पोर्टेंट पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का ही पूछा जाता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो कि 8 मार्क्स का होता है। इसलिए आपको ये लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। यदि आप लेसन को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट स्टेंजा है, आई डू नॉट नो से लेकर आई वाज एलोन तक। यह बोर्ड में 2012 और 15 में पूछा जा चुका है। Reference: These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. जैसा कि reference में lesson का नाम और writer का नाम बताना होता है, this is the reference. Context: In these lines the writer tells us that when he started his journey the train was full of passengers. इन पंक्तियों में writer बताता है कि जब उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की उस समय ट्रेन पैसेंजर से भरी हुई थी। बट वेन द ट्रेन लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन ही वॉज लेफ्ट एलोन और ही थॉट ही वॉज एलोन। लेकिन जब ट्रेन लंदन के आउटर रिंग से बाहर पहुंची, तो वो ट्रेन में अकेला रह गया था, या उसने सोचा कि वो ट्रेन में सिर्फ अकेला है। एक्सप्लेनेशन: इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट He was traveling in the train from London to a midland town. इस पैसेज में राइटर कहता है कि वह ट्रेन से लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यात्रा कर रहा था। He did not know whether he or his fellow came first in the train. और वह ये नहीं जानता था कि वह या उसका साथी कौन पहले ट्रेन में आया। It was the last train on that route. यह उस मार्ग पर अंतिम ट्रेन थी। ही सेज दैट इट वॉज एन इनफिनिटली लीसली ट्रेन। और वह कहता है कि वह अनंत काल तक चलने वाली धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। इट वॉज मूविंग वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे चल रही थी। एंड बीइंग ए पैसेंजर ट्रेन इट स्टॉप्ड ऑन ऑल द वे साइड स्टेशंस। और चूंकि यह पैसेंजर ट्रेन थी, अतः यह मार्ग पर प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई जा रही थी। When the train started, it was full. जब ट्रेन चली तो ये भरी हुई थी। As the train left the outer ring of London, लेकिन जैसे ही ये लंदन की बाहरी सीमा पर पहुंची, the passengers alighted in ones and twos. यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए। And he was left alone in the compartment. और वह compartment में अकेला रह गया। और he thought he was alone. या फिर उसने सोचा कि वह अकेला था। सेकंड पैसेज, देयर इज ए लेकर काउंटर स्ट्रोक तक। यह बोर्ड में 2006, 2008, 2011, 2013 और 2018 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही है जो फर्स्ट पैसेज में बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट: इन दिस लाइंस द राइटर टेल्स अस दैट ही वाज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। इन पंक्तियों में राइटर हमें बताता है वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ही सेज दैट बीइंग एलोन इन द कंपार्टमेंट देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। और वह कहता है कि डिब्बे में अकेला होना स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभूति का एहसास कराता है। एक्सप्लेनेशन: इन दिस लाइंस द राइटर टेल्स अस दैट ही वाज एलोन इन द कंपार्टमेंट। इन पंक्तियों में राइटर कहता है तो वह कंपार्टमेंट में अकेला था। ही सेज दैट वन कैन एन्जॉय फुल फ्रीडम बींग एलोन इन द कैरिज। वह कहता है कि कोई व्यक्ति कैरिज में अकेला होने पर स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद ले सकता है। द ट्रेन वॉज मूविंग विद जग्स एट नाइट मेकिंग मच नॉइस। ट्रेन रात्रि में शोर मचाती हुई और झटके लेती हुई चल रही थी। एंड इट गेव हिम ए यूनिक एक्सपीरियंस। और इससे उसे एक सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। इट्स ए लिबर्टी अनरिस्ट्रेंट।
यह एक ऐसी स्वतंत्रता थी जो कि अनचेक्ड अनकंट्रोल्ड थी, एंड यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, और तुम जो चाहो वह कर सकते हो. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम जितना जोर से चाहो अपने आप से स्वयं से बात कर सकते हो. एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई नहीं सुनेगा. यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, और तुम जोन्स के साथ जो एक काल्पनिक व्यक्ति है उसके साथ तर्क वितर्क कर सकते हो. एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट एनी काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी विरोधाभास के सफलतापूर्वक उसे धूल चटा सकते हो. थर्ड स्टेंजा, आई एस्यूम्स द ब्लैक कैप से लेकर ह्यूमिलिएटेड मी तक. यह बोर्ड में 2009, 2017 और 2018 में पूछा जा चुका है. रेफरेंस वही है जो फर्स्ट पैसेज में बताया गया है. कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट हिज फेलो ट्रेवलर वॉज डिस्टर्बिंग एवरी टाइम. इन पंक्तियों में राइटर कहता है कि उसका सहयात्री उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था. ही वार्न्ड एंड पार्डन्ड हिम टू टाइम्स, उसने उसे दो बार चेतावनी दी और दो बार माफ कर दिया. एट लास्ट ही सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, और अंत में उसने उसे मृत्यु की सजा दे दी. एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट हिज फेलो ट्रेवलर मॉस्किटो वॉज डिस्टर्बिंग हिम इन द कंपार्टमेंट. इन पंक्तियों में राइटर हमें बताता है कि उसका सहयात्री मच्छर उसे डिब्बे में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. टू टाइम्स ही वार्न्ड हिम, उसने दो बार उसे चेतावनी दी. बट ही डिड नॉट स्टॉप दैट न्यूसेंस, लेकिन उसने वह अशिष्टता नहीं रोकी. ही एस्यूम्ड हिमसेल्फ एज ए जज, तब राइटर ने अपने आप को जज मान लिया. एंड सेड दैट देयर वर मैनी चार्जेस अगेंस्ट हिम, और कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप हैं. ही वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, वह बिना टिकट के यात्रा कर रहा था. ही हैड नो मीट कूपन, और उसके पास मीट कूपन नहीं था. सो फॉर ऑल दीज अनलॉफुल एक्ट्स ही अवॉर्डेड हिम द सेंटेंस ऑफ डेथ. तो इन सब गैर कानूनी कार्यों के लिए उसने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी. इन ऑर्डर टू किल हिम ही स्ट्रक ए स्विफ्ट एंड डेडली ब्लो विद हिज राइट हैंड, और उसे मारने के लिए उसने अपने सीधे हाथ से बहुत ही तेज थप्पड़ से कड़ा प्रहार किया. बट द मॉस्किटो एस्केप्ड द अटैक विद सच एन ईज दैट द राइटर फेल्ट इंसल्टेड, लेकिन मच्छर ने उसका अटैक इतनी आसानी से बचा लिया कि राइटर ने अपने आप को अपमानित महसूस किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.